बहुत बहुत स्वागत है फाइनली वेलकम टू जंगल। बोले तो वेलकम थ्री का अनाउंसमेंट टीजर आई है, मल्टी स्टार का। क्या कहोगे? मल्टी स्टार गार्ड्स वेलकम थ्री, ऐसा लग रहा है पूरा कॉमेडियन को उठा के लेकर आ गया है इंडस्ट्री में। इतना धमाल हो जाएगा, इतना धमाल कि उसका कोई अंदाजा नहीं है। संजय दत्त, राजपाल यादव, सब कॉमेडियन एक्टर, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन, भाई पूरा बॉलीवुड उठ के आ गया है। क्या है मतलब पब्लिक को, मतलब क्या दिखाओगे भाई? आई एम वेरी हैंग ओवर हो गया मेरा तो भाई, इतने सब स्टार कास्ट देख के क्या है भाई। क्या कहोगे इस बार सुनील शेट्टी भी हैं? अन्ना का तो नाम ही काफ़ी है, उसमें से दो दो अन्ना है तो आप तो समझ ही जाओ। लेकिन मिसिंग है हमारे उदय शेट्टी और मजनू भाई, बोले तो नाना पाटेकर और अनिल कपूर। अनिल कपूर को लेना चाहिए था बिकॉज वेलकम टू में अनिल कपूर का बहुत ही अच्छा किरदार था, वेलकम में भी था। लेकिन देखते हैं अभी जो स्टार कास्ट है, देखते हैं कैसी लगती है पिक्चर। अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है, ट्रेजर आन दो, ट्रेलर आन दो, तब पता चलेगा। अहमद खान डायरेक्टर है? कुछ नहीं, ट्रेलर देखने के बाद ही बताएंगे। ट्रेलर देखने के बाद ही बोलोगे? जी। फिलहाल के लिए आप खुश हो? हाँ, थोड़ा एक्साइटेड है। आज अक्षय सर का बर्थडे भी है। मैं अक्षय सर का फैन तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक हैप्पी बर्थडे टू अक्षय सर। थैंक यू, वेलकम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, फाइनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं अक्षय कुमार के बिगेस्ट फैन है ये नितिन भाई, और आ गए वेलकम टू द जंगल। बोले तो वेलकम थ्री का अनाउंसमेंट टीजर आई है, मल्टी स्टार कास्ट है। क्या कहोगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज पहले मैं हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा, सॉरी पहले मैं उनको हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा, बाद में आज जो उसकी मूवी की अनाउंसमेंट हुई, क्या मजा आ गया। इतने अनाउंसमेंट बाहर कभी नहीं देखे, जो 3 मिनट ऊपर का जो अनाउंसमेंट है, ये वेलकम टू जंगल का है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सब आर्मी लुक में है, ये सब बहुत एक्टर का मतलब लाइन में पूरा दिखाया गया, म्यूजिक पहले दिखाया जा रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं दिखा, मतलब सब लाइन में है इसका म्यूजिक जो गा रहे हैं अभी। इस बार अरशद वारसी, संजय दत्त है, ऋषा पठानी है, रवीना टंडन है, अक्षय कुमार, संजय दत्त, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, हाँ सब मतलब कॉमेडी के एक्शन के सबके लिए हुए हैं। क्या कहोगे आप इस बार इस बार अनिल कपूर और नाना पाटेकर, बोले तो उदय शेट्टी और मजनू भाई के जगह ले लिए हैं अरशद वारसी और संजय दत्त, आप कितना मिस करोगे? दो मिस तो बहुत कर रहे हैं, मिस अभी भी वो मूवी देखा तभी मैं उनको वही ढूंढ रहा था, मैं अरशद वारसी लोग सबको उनको ही मैं तो किधर दिखे नहीं, बाद में लगा कि ये मेरे को लगता है मूवी में नहीं रहेंगे या तो कैमियो वैमियो दिया रहेगा। और आपने देखा ट्विस्ट पे ट्विस्ट दे रहे हैं अभी, इनका भी मिशन पर पहला पोस्टर आए, उसके बाद टीजर आया, अरे आज देखो जंगल वो वेलकम टू जंगल का आ गया, आज बहुत मजा आ रहा है। अरे क्रिसमस पे रिलीज हो रही है, हाँ ये साल पे डबल धमाका हो रहा है, एक तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट दे रहे हैं, अनाज को और ट्विस्ट दे दिया, वो एक क्रिसमस पे आ रहे वो 20 दिसंबर 2024 को, बहुत अच्छा लग रहा है। 2024 की बात की जाए तो अक्षय कुमार ने ईद अपने नाम रख ली है, दिवाली अपने नाम रख ली है, और क्रिसमस भी अपने, मतलब जितने फेस्टिवल थे सब उनके नाम पे कर ले, पहले सलमान खान रखते थे, आज अक्षय कुमार ने खिलाड़ी कुमार रख ले। क्या बात है, चलिए अगर अनाउंसमेंट टीजर देख के आपको ज़्यादा खुशी हुई है, आई होप कि मूवी भी सुपर हिट जाए, सुपर हिट क्या ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर। थैंक यू।